एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आप कितने क्रिएटिव इंटेलिजेंस है, तो आपको कुंडली में फिफ्थ हाउस को देखना है, सेकंड हाउस को देखना है, तथा जुपिटर और सन की स्थिति को देखना है। अगर कुंडली में आप फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड की पोजिशन बलवान है, और सेकंड हाउस के लॉर्ड की पोजिशन बलवान है, जुपिटर और सन बलवान है, तो आप क्रिएटिव इंटेलिजेंस के फील्ड में वो अच्छी उन्नति कर सकते हैं। अर्थात ये कहने का है कि पांचवा भाव और उसका स्वामी अगर कुंडली में अच्छी पोजीशन में होगा, और सेकंड हाउस और उसका स्वामी भी कुंडली में अच्छी पोजीशन में होगा, सेकंड हाउस बलवान हो, फिफ्थ हाउस बलवान हो, तथा इनके फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में स्वराशि के उच्च के तथा मित्र राशि में होंगे, और इसी तरह से सेकंड हाउस का लॉर्ड भी कुंडली में केंद्र में त्रिकोण में स्वराशि में मित्र राशि में उच्च के होने पर कुंडली की स्थिति अच्छी बन जाती है, तथा गुरु और सूर्य को भी कुंडली में अगर केंद्र में त्रिकोण में अच्छी पोजीशन में होंगे, तो जातक की क्रिएटिव इंटेलिजेंस अच्छी तरह से यूज कर सकता है और अपना पंचम लहरा सकते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर हौसीलाल चौरे, जिनकी वेबसाइट है hchaure.blogspot.in, जीमेल एड्रेस hausi.chaure@gmail.com, तथा माई मोबाइल नंबर मेरा मोबाइल नंबर है 9893234। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया करके मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को आप सब्सक्राइब कीजिए, तथा अपने मित्रों को भी इसकी जानकारी दीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।